नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सीए लागू करने के लिए सभी राज्य बाध्य है, भाड़े के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध हो रहा है। आम लोगों से लेकर कमलनाथ सरकार ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय देने वाला है। इस कानून से हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मजहब के किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। केंद्र सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं दोनों विभागों में यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करता हूं कि पैसा मांगने के लिए किसी भी राज्य के किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार के समक्ष जाना न पड़े। जिस राज्य का जो हिस्सा देय होता है, हम समय के भीतर उसको पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन राज्यों से इस बात की अपेक्षा जरूर रहती है कि वो समय पर अपना यूसी भेजें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। अगर किसी राज्य का यूसी नहीं आता तो यूसी का इंतजार किया जाता है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी और मध्य प्रदेश की सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो मैचिंग ग्रांट का इंतजाम करें और जो पैसा उनके हक का बनता है वो पैसा हमसे लें। मध्य प्रदेश में सड़क बनाएं, आवास बनाएं, कृषि को आगे बढ़ाएं, हमारी शुभकामनाएं मध्य प्रदेश के साथ हैं। तोमर ने कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में जाने के सवाल पर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस ने अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी बिल वहां से पास होकर अब कानून बन चुका है। कांग्रेस वामपंथी और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी इस कानून का विरोध कर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता को इस कानून से कोई नुकसान नहीं है, भाड़े के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इस भ्रम को तोड़ेंगे और लोगों को इस कानून के बारे में जागरूक करेंगे। इस फैसले से भी जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग और तथाकथित देश को गुमराह करने वाले कुछ बुद्धिजीवी मुट्ठी भर, ऐसे लोग इस आंदोलन के माध्यम से हिंसा फैलाने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। यह बिल ठीक नियत से लाया गया है, न्याय देने के लिए लाया गया है और जिनको हमसे अपेक्षा है उनकी अपेक्षा पूरी करने के लिए लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो नागरिकता संशोधन विधेयक लाएंगे और हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी इस समाज के लोग जो पाकिस्तान से मार खा के आए हैं उनको न्याय देने का काम करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर ने राज्य सरकार के आरोपों को भी नकारते हुए कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग केंद्र सरकार सभी राज्य का हिस्सा समय पर भेजते हैं, लेकिन राज्यों को डिमांड भेजना होगी। कुल मिलाकर सीएए के विरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।